हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि जूम ऐप को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे और कैसे एक मीटिंग आईडी को क्रिएट करेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम शेयर करना चाहते हैं किसी बच्चों के साथ तो हम उनको कैसे शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वी विल सी, यहाँ पर हमने जूम क्लाउड मीटिंग को पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो ओपन की जगह पे आपको इंस्टॉल का लिंक आएगा जिस पे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड होने के बाद आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद वी विल सी कि हमारे पास एक ऐप का शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा हमारे फ्रंट स्क्रीन पर, जहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है। और सॉरी, मैं ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे मोबाइल में, मैं अकाउंट एक्टिवेटेड है इसलिए मेरा अकाउंट ओपन हुआ। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे हमें कैसा इंटरफेस ओपन होगा। मैं लॉग आउट कर दिया अपना अकाउंट। अब देखेंगे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें तीन ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ज्वाइन मीटिंग, दूसरा साइन अप और तीसरा साइन इन। ज्वाइन ए मीटिंग का मतलब हो गया कि आपके पास किसी भी मीटिंग की आईडी है और आपने बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए अगर आप उस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सीधे यहां पे ज्वाइन ए मीटिंग पे क्लिक करेंगे। यहां पे मीटिंग की आईडी को डालिए और उसके बाद ज्वाइन मीटिंग लिंक पर यहां पे दिया हुआ है उसको क्लिक करिए और उस मीटिंग पर ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक खुद मीटिंग करना चाहते हो और आप एक खुद सपोज दैट कि आप एक खुद मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपको होस्ट बनना पड़ेगा और होस्ट होने के लिए यू हैव टू क्रिएट योर ओन आईडी। उसके लिए साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जा कर के आपने अपना यहाँ पे जो भी ऊपर ईमेल एड्रेस, नीचे फिर उसके बाद नेम और उसके बाद इस टर्म को एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यू विल सी कि हमारे पास एक लिंक जाएगा कहाँ पर, जो हमने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी हमने मेल आईडी क्रिएट की है। हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास लिंक गया है, तो हम जा कर के चेक करते हैं। और चेक करने के बाद वी विल सी कि हमारे पास अभी एक, जी हाँ, ये हमारे पास आपके पास कैसा एक जनरेट होगा, ऐसा एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद एक्टिवेट अकाउंट, एक्टिवेट अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यूआरएल पे ले जाएगा। यूआरएल पे ले जाने के बाद जहाँ से आपको यूआरएल पे ले जाएगा और वहाँ से आपको फिर अपना नाम और अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद वहाँ से वापस आना है। फिर अगेन दोबारा नेक्स्ट कर लीजिएगा और जैसे ही आप पासवर्ड और नेम डालेंगे तो आपको फिर यहाँ पे आकर के उस पासवर्ड और उस नेम को साइन इन पे, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस यूजर नेम और पासवर्ड को फीड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे फीड करेंगे यू विल सी, फीड करने के बाद साइन इन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि अब इसमें प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर सबसे टॉप पे देखिए जहाँ पे मेरा नाम लिखा गया है, नाम लिखे हुए जहाँ नाम लिखा हुआ है वहाँ पे जा करके हमने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो, अगर इस प्रोफाइल फ़ोटो को यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कह रहा है कि क्या आप प्रोफाइल फ़ोटो लेना चाहते हैं या तो कोई भी आपके सिस्टम में या गैलरी में कोई फ़ोटो है उसको ही आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो बना चाहते हैं तो यहाँ से दोनों से आप चूज कर सकते हैं। आप मीटिंग के समय आपका नाम जो दिखना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आप इंटर करेंगे और उसके बाद फिर नीचे देखिए आपकी ये पर्सनल मीटिंग आईडी, ये आपकी यूनिक आईडी है जो कि आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद इस मीटिंग को साइन आउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक बटन यहाँ पर दिया हुआ है। दोबारा मैं किसी एक मीटिंग में ज्वाइन होना चाहता हूँ तो एक पहला ऑप्शन था कि बिना एक्टिवेशन के हम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरा ऑप्शन हमें एक्टिवेशन के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद भी हो सकता है। तो हम ज्वाइन बटन पे जाएंगे और मीटिंग की आईडी को यहाँ पे फीड करेंगे। अभी आप देखिए कि ज्वाइन मीटिंग का जो लिंक बटन दिया हुआ है वो डीएक्टिवेटेड है
और जैसे ही हम यहाँ पे एक मीटिंग को एक्टिवेट किया, जैसे ही मैं मीटिंग के आईडी को जैसे इंटर कर रहा हूँ, यू विल सी कि यहाँ पे ज्वाइन बटन ज्वाइन मीटिंग का जो है वो इनेबल हो गया। तो यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग करके हम उस मीटिंग के पार्ट बन सकते हैं या उसके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन फॉर ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, हम बच्चों को एक मीटिंग में लेकर के जहाँ पे उनकी प्रॉब्लम या उनकी क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें एक अपनी खुद की मीटिंग क्रिएट करनी पड़ेगी और जिसके होस्ट हम खुद होंगे। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यू विल सी कि यहाँ पे न्यू मीटिंग दिया हुआ है बटन, वहाँ पे क्लिक करेंगे। हमने अपने वीडियो को ऑन कर रखा है, जी हाँ, मेरा वीडियो जो मैं मेरा फ्रंट कैमरा मुझे देख सकेगा, वो हमारी वीडियो जो होगी वो उसमें डिस्प्ले होनी चाहिए, और माई पर्सनल आईडी जो पर्सनल मीटिंग आईडी है वही हमारी जो है मीटिंग की आईडी होगी। तो स्टार्ट ए मीटिंग पे क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये कनेक्टिंग होगा और एक मीटिंग क्रिएट हो जाएगी, और जिसमें आप सारे बच्चों को ऐड करके उनकी प्रॉब्लम या उनकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब आप देखिए कि अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं सबसे पहले देखूँ कि मेरे इस मीटिंग में कितने सारे बच्चे ऐड हैं। तो उस चीज़ों को देखने के लिए आप देखिए कि नीचे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैं केवल सिंगल हूँ इस मीटिंग में, तो इसलिए ये मुझे सिंगल ही दिख रहा है। लेकिन दोबारा अगर इनको इस मीटिंग को क्लोज करना चाहता हूँ, तो इस मीटिंग को क्लोज कर दिया, पार्टिसिपेंट लिस्ट को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो किसी को ना दिखे या मेरा केवल प्रोफाइल फ़ोटो दिखे, तो उसके लिए हम वी विल स्टॉप द वीडियो, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, वी विल डू दैट थिंग। ये रेड कलर में टर्न, इट विल टर्न इन रेड और क्रॉस हो जाएगा, तो इस हमारी वीडियो बंद हो गई है, लेकिन हमारी माइक्रोफोन चल रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो चलता रहे और माइक्रोफोन का म्यूट हो जाए, तो हम विल टू यहाँ पे माइक का बटन दिया हुआ है जिससे हमारा माइक्रोफोन म्यूट हो जाएगा। उसके बाद अनम्यूट कर दिया। अगर इसके बाद भी अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी वीडियो या कोई कंटेंट उनसे बच्चों को शेयर करना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे बीच में शेयर का बटन दिया हुआ है जहाँ से हम क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। कोई फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं वो कर लें, डॉक्यूमेंट्स बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव फॉर बिजनेस, कोई URL है, कोई बुकमार्क है, कोई अपनी स्क्रीन है, या व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होगा जहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो वी कैन डू दैट। स्क्रीन शेयर का मतलब मैं अपनी स्क्रीन ही शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ, जहाँ पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स रखा है और वो बच्चे उसको देखना चाहते हैं। सपोज दैट कि अभी रिसेंटली हमने जो है एक PDF बनाया था, उसको हम ओपन करते हैं। वो PDF सपोज दैट कि यही हमारा एक PDF है, PDF को हमें ओपन करना है। इस PPT को मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको देखें, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। अब हम ये इन बच्चों के साथ ये चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ से हम उनके साथ ये चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं या यहाँ से भी हम उनको पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है मीटिंग, आपने स्टॉप शेयर पे यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, स्टॉप शेयर हो जाएगा और आप मतलब कि स्क्रीन अपनी शेयर अनशेयर कर सकते हैं। उसके बाद मीटिंग को एंड करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, तो एंड बटन ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करिए और एंड द मीटिंग। होप दैट कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।